वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्टर बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो पहला वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर लो जो हमने रेप्टाइल्स के ऊपर बनाया था। और दूसरा वीडियो जैसा बताया था कि इट बी ऑल अबाउट पाइथन एंड स्नेक्स, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में और भाई के हाथ में कि पाइथन है, मेरे हाथ में पाइथन है। बाय द वे वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई से मैं मजे ले रहा था, मैं ऐसे बात कर रहा था हाथ में पकड़ा दिया जैसे कोई चॉकलेट दे रहे हो मुझे। बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है यहाँ पर अब पाइथन और स्नेक को हैंडल करना। तो भाई इस वीडियो में हम कौन कौन से स्नेक के बारे में बात करने वाले हैं? भाई अभी मेरे पास जो है पाइट बॉल है पहली बात तो, और दूसरा है मिल्क स्नेक, और तीसरा है कॉर्न स्नेक जो काफी अच्छा है, अच्छा साइज है। तो अभी पहले मैं पाइट बॉल के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज अभी मेरे हाथ में जो है वो पाइट बॉल है। ये है बनाना पाइट बॉल है, काफी ब्यूटीफुल है, आप इसका कलर देख सकते हैं, ये बनाना पाइड है। बनाना पाइड लगी रहा है पूरा बनाना जैसा। हाँ बनाना पाइड है, और ये रेगुलर पाइड है जो पाइट बॉल पाइथन है, ये भी काफी अच्छा है। आप इस पे इधर स्माइली देख सकते हैं, कैसे दिखाएं आप, इधर स्माइली देख सकते हैं, इस पे स्माइली आया हुआ है। हाँ तो ये स्माइली है, और ये रेगुलर पाइड में स्माइली आके है इस पे। तो इसका जो रेगुलर पाइड का जो है वो 1,50,000 रुपीज़ सिंगल पीस है, और जो ये आप देख रहे हैं ये बनाना पाइड है, ये 1,85,000 रुपीज़ सिंगल पीस है। तो भाई ये फुल साइज नहीं है ना इसका? अभी भाई अभी बच्चे हैं ये, बच्चे माने काफी छोटे बच्चे नहीं है, हैचलिंग बच्चे नहीं है। ऑलमोस्ट 8-9 1 ईयर समझ लीजिए, 1 ईयर के ये जो है बच्चे हैं। ये अडल्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट 3 साल के बाद। तो अभी ये 2 साल के बाद अडल्ट होंगे, जो भी इसको पाल के हॉबी पूरी करना चाहता है, काफी अच्छा है पाइट बॉल। देखिए बॉल इसलिए बोलते हैं बार बार फोल्ड होके बॉल जैसे हो रहा है। हाँ पूरा जो राउंड हो जाता है, इस वजह से इसको बॉल पाइथन रखा गया है नाम। और काफी बॉल पाइथन एक पाइथन्स वैरायटी में शांत और स्वभाव एनिमल है, बिकॉज ये कभी काटते नहीं है, अटैक नहीं करते हैं, अटैक करते हैं तो वेनम भी नहीं है। तो बॉल पाइथन में छोटे छोटे बच्चे भी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अभी मैं दूसरी स्पीशी बताऊंगा मिल्क स्नेक। हाँ जी भाई, तो इनके बारे में बताइए। तो ये है मिल्क स्नेक, और ये ऑलमोस्ट अभी 4 मंथ्स के हैं, बेबीज हैं। तो इनका जो प्राइस है, ये सिंगल पीस का प्राइस है 95,000 रुपीस, ये सिंगल पीस है। और इसमें 2 म्यूटेशन है, जैसे कि आपके हाथ में जो है वो अलग कलर है और मेरे हाथ में जो है वो अलग कलर है। कलर आप एक ही बोल सकते हैं, लेकिन म्यूटेशन ये अलग है, क्योंकि इसमें डिफरेंट यही है कि रेड कलर जो है वो दूसरी जगह है, व्हाइट कलर जो है वो दूसरी जगह है। इस वजह से कलर एक ही है लेकिन पैटर्न जो मार्किंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनका क्या प्राइस है? इनका 95,000 रुपीज ईच पीस है। और ये भी ऑलमोस्ट समझिए 7 फीट 8 फीट तक हो जाते हैं। हाँ ये 7-8 फीट तक हो जाते हैं, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं अभी दूसरी स्पीशी दिखाऊंगा। तो गाइस जो अभी हम नन्हे मुन्ने दिखा रहे थे उसका बड़ा वर्जन, और भाई मेरे मजे ले रहे हैं ऑफ द कैमरा, वो मैं दिखा नहीं सकता, बट ठीक है भाई इसके बारे में बताइए। तो ये कॉर्न स्नेक है जो पहले मैं बता चुका हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो है। हाँ तो ये अडल्ट कॉर्न स्नेक है, और ये फीमेल है, अडल्ट है, काफी अडल्ट है। आप इसका साइज इस पे कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट ये 7 फुट रहेगी। हाँ 7 फुट तो ऑलमोस्ट है, ये 7 फुट अगर नहीं भी है, 5 नहीं ज्यादा है 7 फुट रख लीजिए। तो 7 फुट का ये कॉर्न स्नेक है, काफी ब्यूटीफुल है और प्लेफुल है, काटेगा नहीं, देख सकते हैं आप भाई। एक इम्पोर्टेंट जैसे मैं आपको भी पूछ रहा था, तो ये हमने जो पाइथन देखे थे वो नॉन वेनमस होते हैं और ये भी नॉन वेनमस होते हैं। देखिए स्नेक्स में काफी अलग अलग वैरायटी आती है जो नॉन वेनमस हैं और वेनमस भी आते हैं इसमें, लेकिन वेनमस हमारे इंडिया में बैंड है, तो इस वजह से हम उनको रखते नहीं। कॉर्न स्नेक हमारे वेनमस नहीं है, ये कॉर्न स्नेक वेनमस नहीं है, कॉर्न स्नेक तो पेट है, इसको आप पेट की तरह आराम से रख सकते हैं, कोई काटेगा नहीं, अगर काटेगा भी तो वेनम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कैमरे के सामने बोलूंगा, सांप रखता हूं तो कोई कभी कभार तो काट लेता होगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे काफी बार स्नेक्स ने भी काटा हुआ है, तो कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका कितना प्राइस है भाई?
इसका पड़ जाएगा भाई ये 1,20,000 रुपीज सिंगल पीस है। मैं ट्राई करता हूँ इसको डर हाँ, पकड़िए आराम से, डर के कुछ नहीं, आराम से पकड़िए, कोई नहीं। गाइस इट्स अ ब्यूटी, ब्यूटी भी है, मेरी अंदर से धुक-धुक भी हो रही है बट पकड़ते हुए मजा आ रहा है क्योंकि इसका साइज काफी अच्छा खासा है और उसका कलर भी देख सकते हैं किलर है। उसका मुंह दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए इसका मुंह काफी छोटा आता है, इसकी बॉडी लाइन आप देख सकते हैं, ये जो है इसका साइज जो है ये बॉडी लाइन का ऑलमोस्ट देखिए एक हाथ बराबर है और इसका मुंह जो है वो बहुत ही काफी पतला है, जितना मेरी उंगली है उतना ही मोटा है उसका मुंह, तो काफी छोटा आता है इसका और ये बड़ी से बड़ा रैट भी खा लेगा। हाँ, अच्छा ये बड़े से बड़ा रैट भी खा लेगा ये, और ये डाइजेशन बहुत अच्छे करते हैं स्नेक बिकॉज ये ज्यादा प्लेफुल रहते हैं तो डाइजेशन अच्छे कर लेते हैं। बॉल पाइथन में क्या है 7 डेज में एक बार दे सकते हैं, इसको आप अल्टरनेटिव डे दे सकते हैं okay. तो अच्छा ग्रोथ भी हो जाएगा। हाँ, और ये ग्रोथ होगा, ये अभी छोटा है okay. ये और ग्रोथ होगा थोड़ा बहुत। तो गाइज ये था एक क्विक वीडियो ऑन दी स्नेक्स, जैसा कि बताया भाई ने कौन स्नेक्स दिखाए और पाइथन्स दिखाए, काफ़ी और अवेलेबल आते रहते हैं, आप वीडियो चेकआउट करते रहेंगे वो आता रहेगा बिकॉज ही इज़ अ क्रेजी कलेक्टर ऑफ ऑल दीज पाइथन एंड स्नेक्स। तो इसमें उन्होंने पाइथन और कौन स्नेक्स के बारे में बताया, अगर आपने पहला वाला वीडियो जैसा कि मैंने बताया मिस किया है जिसमें हमने कुछ एल्बाइनो रेडियर स्लाइडर दिखाए थे और गेकोस दिखाए थे तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। भाई की शॉप की डिस्क्रिप्शन सॉरी पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। बैंगलोर में है तो डू कम विजिट, इट्स इन JP नगर। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे और मैं आता रहता हूँ यहाँ पे टू एज ही इज़ नोन एज अ एग्जॉटिक किंग, तो यहाँ पर किलर कलेक्शंस रहते हैं तो वो आप आके चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड बाकी ठीक है, अगर आपको ऐसा और भी कंटेंट देखना है तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन Stay happy, stay healthy.